इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दूसरा कह रहे हैं कि हमारी जो सर्जिकल होगी हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं। नहीं सर, अपने एक आधार ही चालू करते हैं, दूसरा आप दे रहे हैं सिलेंडर आ रहा है बाकी अब 60 लोग हैं। अभी गारंटी की यहाँ अभी काम कितना बचे हुए घर क्या है आपके पास है कि काम बचा हुआ जी ठीक 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 ओके थैंक यू। सर जिला चिकित्सालय को हमने सभी जगह का निरीक्षण भी किया और क्या कुछ पॉइंट्स जैसा कि हम जानते हैं ज़िला अस्पताल में हमारा काफ़ी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा 100 बेड का टोटल मेटर्निटी विंग हमारा लगभग 2 माह में हमारा बनकर इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट भी यहाँ पर बन रही है और जल्द ही सड़क के उस पार हमारी नई OPD का प्रस्ताव भी ऑलमोस्ट तैयार है। भोपाल में उसका लैंड यूज चेंज जैसे ही अप्रूवल होता है वैसे उसके टेंडर्स भी लग जाएंगे। तो इन्हीं सभी कामों को देखते हुए आज निरीक्षण किया गया। एक बड़ी समस्या हॉस्पिटल की हमारी ये है कि यहाँ पर
ओवरऑल जो लैंडस्केप है वो ऐसा ऊंचा नीचा है कि पानी की निकासी की अमूमन समस्याएं यहाँ पर रहती हैं, और हर बारिश के सीज़न में कई बार पानी के जमावड़ा की शिकायतें मीडिया साथियों के माध्यम से भी आई हैं हमारे पास। तो उसके लिए भी आज इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ओवरऑल प्लान एक बना लिया जाए पूरे पानी की निकासी का, और उसी के बाद ही जो पीछे नाले का काम हमारा चालू हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो। सर, कुछ गर्ल्स कॉलेज के वहाँ पर झाड़ियाँ थी जिसको आपने मालिक के द्वारा व्यवस्थित करने की बात कर दी। GNMTC के पास में एक ऐसा एरिया है जो हल्का सा एक शेडो जोन जैसा बन रहा है, वहाँ पर झाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं, लाइट भी कम है, और वहाँ पर चूँकि हमारी बच्चियाँ पढ़ती भी हैं रहती भी हैं, तो वहाँ के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उस झाड़ियों को साफ़ करके एक लॉन नुमा डेवलप कर दिया जाए और वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग भी कर दी जाए ताकि बच्चियों भी वहाँ पर सेफ महसूस करें। सर, अभी जिस तरह से आपने सारे निर्देश दिए, सर पूर्व में भी आपने निरीक्षण किया था और दिशा निर्देश दिए थे ताकि काम फिर भी लेट हुआ सर हल्का सा? हाँ, इसमें इलेक्शंस की वजह से बता रहे हैं, दिवाली की वजह से लेबर्स कुछ चले गए थे इनके, जिसकी वजह से एक माह इनका लेट हो गया है, बट इन्होंने कहा है कि 15 फरवरी के आसपास इस काम को वो पूरा कर देंगे।